कर गही लियो, जाके उन्हें हाथ पकड़ लिया, बोले आप पालकी में बैठी है, आप लाखा जी हैं, बोले हूं तो लाखा पालकी में बैठी, तो क्या बोले, क्यों बोले, प्रभु चलो प्रभु पास इही छीने ही बुलाइए, भगवान ने अभी आपको बुलाया है, आप चलिए। क्या सौभाग्यशाली होंगे वो जिनको भगवान बुलाते हैं। हम सब तो तरसते हैं भगवान के दर्शन के जाने के लिए, और कोई ऐसा बिरला है जिनको ठाकुर कहते हैं बुलाओ उनको। आपने कहा कैसे चढ़ो पालकी में, ये जय जय की पालकी है, ये ठाकुर की पालकी है, मैं इसमें कैसे बैठ सकता हूं, ना ना आप चलें, मैं आता हूं, थोड़ा सा मेरा रह गया है, कुछ दिन में आ जाऊंगा। कैसे चढ़ो पालकी में, पन प्रतिपाल करिए, पन प्रतिपाल कीजे, दीजे मोको दान, यही भांति जा निहारिए, मुझको एक दान करो आप। बोले क्या, बस ऐसे ही आ रहा हूं निर्णत करते हुए, मैं वहां तक करके आया पूरा, और थोड़ा सा रह गया, आप बैठ जाओ पालकी में, तो वो व्रत जो है वो नियम खंडित हो जाएगा, तो आप चलिए। बोले प्रभु कही भाई सुमरनी बनाए लाए, तो बोले हम नहीं कह रहे, ठाकुर ने कहा है, लेकिन विश्वास कैसे करें। और ठाकुर ने पहले कह दिया था पुजारियों से, जो मना करे ना तो कह देना कि तुम्हारी और उनकी जो बात है ना बीच की, वो सुमरनी जो लाए भक्तों की माला बना के, उसको पहनने के लिए ठाकुर जी व्याकुल हैं, इसलिए अभी अभी बुलाया है। ऐसा कहा, अब पहिराए मोहि सुने उर धारिए, जब ऐसा कहा तो समझ गए कि ठाकुर ये बात तो कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं या ठाकुर जानते हैं, अब पक्का हो गया कि ठाकुर ने इनको भेजा है। चढ़े प्रणाम करके पालकी को बैठ गए, चढ़े चढ़ी बड़ी कियो, चाहे यह जानी मैं तो, पढ़ी पढ़ी पोथी प्रेम मोपे विस्तारिये, बोले मैं जान गया ठाकुर आप मेरे को सम्मान देने के लिए, मेरा मान बढ़ाने के लिए सब लीला कर रहे हो। पहुंचे महाराज, कह रहे हैं लाखा जी जितने प्रभु मैंने पोथियों में पढ़ा था, प्रेम ऐसा होता है, प्रेम ऐसा होता है, आज मैंने देख लिया प्रेम कैसा होता है। ये था माम प्रबद्धन्ते तान सखयो भजाम्यहम, हम आज मैंने देख लिया। जाए के निहारे तन मन प्राण वारे, जगन्नाथ जू के प्यारे, जगन्नाथ जू के प्यारे, ने को ढिगते न टारिए, ने को ढिगते न टारिए। जैसे ही जगन्नाथ जी का मंदिर आया, कूद पड़े पालकी से और कूद के साष्टांग प्रणाम किया ठाकुर जी। ठाकुर जी ने उठा के और जगन्नाथ भगवान ने हृदय से लगाया और बोले जगन्नाथ भगवान, बोले मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो माला मुझे बहुत प्रिय है, जो मेरे भक्तों की माला को गुंथन करते हैं, एकत्र करते हैं, माला बनाते हैं, मुझे बहुत प्रिय मेरे भक्तों की माला,
कहते हैं जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय न तरु सुकृत भुजे बीज जो जन्म जन्म पछिताय। भक्त दाम संग्रह करे, जो भक्तों के नाम का संग्रह करता है, भक्त दाम संग्रह करे वो क्या होता है, बहुत प्रिय ठाकुर जी। और कहां होता है भक्त दाम संग्रह करे, पढ़े सुने अनुमोद सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद। कहते हैं सुनते हैं यहां तक कि इतना भी अनुमोदन करते हैं, कहां जा रहे हो, बोले कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा कथा सुन, बहुत अच्छी बात है, कथा सुननी चाहिए, जाओ। अगर इतना भी कह देता है तो कहते हैं उसको उसी फल की प्राप्ति होगी जो कथा सुन रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कह दें खाली सुन तुम जाओ, कल सुन अच्छी बात है जाओ, हम बैठेंगे घर पे। तो बोले रस लगाया ठाकुर जी ने और कहा सुनो अब तुम हमारे पास रहो यही, और जो हम खाते हैं ना वो तुम भी खाओ, और जैसा हमारा हमारा चकाचक है तुम भी चकाचक रहो, कितना प्यार करते हैं देखो। तो बोले प्रभु आपको छप्पन लोग खाते हैं और तुमको सोच तो जाना नहीं, हम खाने तुमको जाना पड़ेगा। तो ठाकुर बोले ना ना बंद आज से, ठाकुर ने स्पर्श कर दिया, बोले आज से बंद, खूब खाओ कहीं जाना है। चिन्मय कर दिया, चिन्मय शरीर को, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ ईश्वर, भगवान कौन है जो सब कुछ करने में परम समर्थ है। ब्रह्मा जी को मच्छर बना दे और मच्छर को ब्रह्मा जी बना दे, एक क्षण को एक कल्प कर दें और 100 कल्प को एक क्षण में निकाल दें, यही तो है ना। अब रास हुआ महाराज तो 300 करोड़ युधेश्वरी थी, अधिक प्रधान प्रधान युधेश्वरी, और फिर उखते रही होंगी गोपियां। अच्छा तो उनको श्रृंगार करने में एक रात्रि में हो गया और एक रात्रि में रास हो गया आजकल के में। अगर श्रृंगार करूं कितना टाइम लगेगा तुम्हारा। तो कहते हैं ठाकुर ने उस धुरी को रोक दी, रात को रात ही रख दो, बाद में दिन बाद में हुई हो, भगवान के हाथ में है, जब चाहे सीधा कर रहे जब चाहे घुमा दे, घड़ी है बजा दो 4 बजा दो 5 बजा दो घुमा के, ऐसे काल भगवान के अधीन है। लोकपाल जम काल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी, सब ठाकुर की आज्ञा से चलते हैं। तो ठाकुर ने स्पर्श कर दिया, बोले सुनो अब कहीं जाना, तुम्हारा शरीर सिर में खूब पाओ, आराम से आनंद लो, जैसे हम रहते हैं तुम भी रहो, प्रभु आपकी इच्छा। बोले हमारा मन करता है तुम हमको सरचरित सुनाते रहो भक्तमाल के, और तुम्हारे पास बहुत संताएं हैं, वो संतों के अनुभव सुनाओ हमको, हमको अच्छा लगता है, तो हमारे पास रहो। तो रहे महाराज महीना भर रहे। अब बोले प्रभु अब आ गया हो, घर में घरवाली है, उससे कह के आया हूं जल्दी आ रहा हूं। अच्छा इस सबके इतना प्यार करने के कारण, इतना स्नेह देने का कारण कुछ तो रहा हो, सबको सुनेगा तो इतना प्यार क्या कारण था।
एक तो साधु सेवा करते ही थे, जो साधु सेवा करते हैं ठाकुर उनको बहुत प्यार करते हैं, दूसरा कारण था क्या, आपकी एक बेटी थी वो शादी के लायक हो गई थी, तो गांव वाले जब जब भिक्षा के लिए जाते गेहूं आदि लेने के लिए लाखा जी, तो गांव वाले कहते अरे लाखा जी बेटी सयानी हो गई है ब्याह क्यों नहीं करते, वो बोलते पैसा नहीं कहां से करूं, सब कहते हाँ बात तो ठीक है, तो सब मिलके इकट्ठा करके उनको 1000 रुपए दे देते, लो इसे विवाह करो ठीक, ले आते और लाके संत सेवा में लगा देते, फिर दूसरे गांव में जाते वो कहते लाखा जी ब्याह क्यों नहीं करते, बोले कैसे करूं पैसा नहीं, वो सब इकट्ठा करके 1000 रुपए देते, लोग बेटी का ब्याह कर देना और लाके संतों खवा देते। इस बात से ठाकुर भेजे थे बेटी के नाम पे कितने जगह ला जा जाके पैसा लाके ब्याह नहीं करना और संतों सेवा लगा देना, बोले क्यों लगा देना, क्योंकि संत सेवा से प्रीति थी प्रेम था, और ठाकुर कहते जो मेरे भक्तों से इतना प्रेम करता है तो उसको मैं प्राण समान रखूंगा। आज ठाकुर जी ने पूछा, देखो क्या कह रहे हैं ठाकुर जी, बेटी एक क्वारी, बेटी एक क्वारी ब्याही देत ना बिचारी, मन धन हरि साधु न को कैसे के लगाइए। मन में यह रहता था कैसे साधु के सेवा में मैं मन को धन को लगाऊं। श्री माधवदास जी हुए टूपी को जगह लगाओ तो कहते छल करी बल करी बुद्धि करी संतन के मुख देव और नरसी की सी हुंडी गनी गनी सांवरिया सो ले। बोले कैसे भी दो, छल से दो बल से दो कैसे भी दो, संतों के मुख में दो, संतों को सुख दो, क्योंकि भगवान के कृपा का साक्षात स्वरूप है संत, और कृपा पंगु है, कृपा पंगु है, चले कैसे कोई पंगु व्यक्ति चले कैसे, किसी के कंधे का आश्रय मिले तो चले, कोई कंधे बैठा कर चले तो चले, तो कृपा पंगु है वो संत के कंधे पे बैठ के आती है, संत कृपा हो गई तो समझो ठाकुर कृपा होगी, क्योंकि अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा हो गई मतलब संत मिल गए, और संत कैसे, संत विशुद्ध मिले ही परते ही चित वही राम कृपा करिजे। संतों का मिलना कठिन है और उसमें भी कैसे, संत विशुद्ध काय को लगा रहे हैं ठाकुर जी विशुद्ध, पहले सीधी बात करती थी हाँ भैया घी दे दो, कोई नहीं कहता था शुद्ध घी, सीधी कहते घी दे दो तो काम गड़बड़ होने लग गया, बीच में मिलावटी होने लग गई, तो फिर क्या कहने के शुद्ध घी, और उसके बाद में शुद्ध देसी घी, पहले लोग क्या जानते थे सीधे घी जानते थे, डालडा का काम ही था, पुराने लोगों से पूछो 50 साल 100 साल पहले तो क्या चाहिए, बोले घी, हाँ घी दे दियो, रोटी रोटी में घी चुपड़ गए, ये तो नहीं कहते थे रोटी में शुद्ध देसी घी चुपड़ गए। ऐसे ही संत विशुद्ध ठाकुर जानते हैं कि सब प्रकार के आगे साधु होंगे,
स्पष्ट करिए, संत विशुद्ध जिनको लोभ काम क्रोध आदि ना हो, बोले ऐसे संत मिल जाए तो पक्का कल्याण निश्चित है। किसी प्रकार से संतों के मुख में दें, तो कह रहे हैं कीजे वापो काज। अब जगन्नाथ जी बोले देखो ठाकुर अपनाते हैं किसी को तो पूरे परिवार को अपनाते हैं, अकेले को नहीं। कहेंगे तुम्हारे ये चाचा है, हमारे भी चाचा है, तुम्हारी ये बहन है तो हमारी बहन है, तुम्हारी ये बेटी है हमारी बेटी है। तो ठाकुर जी बोले हमारी बेटी का विवाह क्यों नहीं करते हो? अब ठाकुर से कैसे, क्या पैसा नहीं है? बोले की जय बापो काज, उसका काम करो ब्याह करो। कही जगन्नाथ देव जू ने की जय बापो काज, कही जगन्नाथ देवी ने, कही जगन्नाथ देव जू ने, और क्या कहा, लीजे मोपे द्रव्य, मैं देता हूं 1000 रुपया, ले जाओ हमारे खजाने से और बेटी का ब्याह करो। लीजे मोपे द्रव्य और नेक हूं आइए, अंदर बिल्कुल नहीं गई बात। लाखा जी के ठाकुर जी का पैसा क्यों लूं? तो बोले चुप हो गए, कुछ नहीं जवाब दी। कल ले जाना 1000 रुपए और जाके बेटी का ब्याह करना हमारी बेटी का। तो चुपचाप आके यहां सहन करते रह सो गए। अब विचार किया अब यहां से निकलो और मिलने मत जाओ, अंतिम में वैसे मिलके आना चाहिए, पर मिलके मत आओ, मिलने जाएंगे तो कहेंगे 1000 रुपए पकड़ो और लेना है नहीं ठाकुर जी का। तो विदा पैन भय नहीं है, निकल लिए वापस। विदा पैन भय चले ध्रिग भरी ले, रोते जा रहे हैं ठाकुर क्षमा करना कि आपसे अंतिम में मिलके नहीं जा रहा हूं, क्यों मिलने आऊंगा तो जबरदस्ती पका लोगे पैसे, आपके पैसे लेने नहीं, चल दिए। ठाकुर ने कहा छलिया से छल है, हम जगत को छलते हैं, हमारा नाम ही है छलिया, और छलिया को छल के चलती, और छलिया को छलने वाले भगत ही हो सकते हैं, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा टूटती नहीं है, सत्य संकल्प प्रभु है, लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़ने की सामर्थ्य वाले भक्त में ही है। तभी तो कह दिया श्री विश्वतामयी ने जो हर याद शस्त्र न कहा हूं, आज तुमको शस्त्र धारण करा के रहूंगा तो आ जाओ, जिन्हें अपनी पत्नी माँ को लजा दूंगा दूध अगर आज तुमको धारण नहीं कराया, सांत्वन सुतना कहा हूं, अपने बाप का बेटा नहीं। और महाराज ऐसे बाणों की बौछार की, ढक दिया पूरा महाराज, बोले स्वागत कर रहा हूं आपका, मेरी पूजा है ये, शस्त्रों द्वारा पूजा की जाती है युद्ध के मैदान में, ये पूजा कर रहा हूं। चार चार अंगुल में इंच मान लो बाण मारे एकदम अर्जुन को, बीत दिया पूरा एकदम, और इतने बाण मारे पूरे रथ को ढक दिया, ठाकुर जी भी ढक गए, सारथी थे ठाकुर जी भी ढक गए पूरे। अब जब एक बाण और मारा अर्जुन के रथ पर निकला था, अर्जुन के भक्त के रक्त को देख के ठाकुर का हृदय कर दिया, तुरंत बोले अभी देखता हूं भीष्म तुमको, अभी देखता हूं, अब मराओ। सारे बाण उठा दिया, ठाकुर जी कूद पड़े नीचे और रथ के पहिया को उठा दिया और उसी को उठाया और चक्कर बना लिया उसी को। अर्जुन जी ने देखा ये क्या कर रहे हैं, सब
केशव ने प्रतिज्ञा की थी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुरंत कूद के चरण पर, प्रभु नहीं 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 प्रभु ऐसा मत कीजिए, आप मत उठाइए। ठाकुर बोले आज इसको जीवित ही छोड़ूंगा। और पितामह भीष्म क्या करते हैं, धनुष फेंक दिया, बाण फेंक दिया, जय हो मेरी जीत हुई, मेरी जीत हुई। बोले ये कैसा विजय है, बोले जय हो मेरी जीत हुई, मेरी जीत हुई। ठाकुर जी को समझाया अर्जुन जी ने, प्रभु मैं संभालता हूं, अब रुको आप। तो ये कह रहे हैं भगवान के भक्त के भगवान की प्रतिज्ञा को भी छुड़वाने की सामर्थ भक्त में है। तो चल दिए महाराज। तो ठाकुर ने कहा छलिया से छल, तुरंत एक राजा को सपना दिया, स्वप्न में कहा ठाकुर जी ने, राजन वो एक आ रहे हैं लाखा जी वहां से पैदल पैदल, तो रास्ते में सैनिक भेज दो, वो सैनिक भेज के उसको कैद करवा दो और उससे कहो कि 1000 रुपए के हुंडी लोगे तो छोड़ेंगे, नहीं लोगे तो जेल में बैठो। गए कहते विदा पे न भये, चले दृग भरी लये, गए आगे निप भक्त मग चौकी अटकाई। जा रहे थे तुरंत कहा ये रखता यही है सलाखा जी। तो पूछा आप लाखा जी हैं, बोले हाँ जी। जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं, हाँ। बोले कैद कर लो, हाथ कहीं डाल दी महाराज। बोले हमारा कसूर क्या है, बोले वो राजा बताएंगे, हमको तो राजा ने कहा कि कैद करके लाओ। ले आए राजा के पास, राजा ने खड़े होके सम्मान किया, प्रणाम किया। बोले क्यों कैद किया हमको, बोले 1000 रुपए हुंडी लाओ, हुंडी लेके आए। बोले इसको स्वीकार कीजिए और पधारिए। बोले हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सुनो जेल में बंद कर दो। बोले हमारा कसूर क्या है, किस अपराध में, बोले आप ये ले नहीं रहे ना यही अपराध है। बोले हमको नहीं चाहिए। दियो है सुपन प्रभु जिनी हट करो अजू। ठाकुर जी ने फिर दोबारा उनको स्वप्न दिया, बोले हट त्यागो अपना, हट हमारा चलेगा, उसको लोगे तो हम पहुंचोगे नहीं कहीं बंद रहोगे। तो महाराज हुंडी लिख दई लाई, ले लिया। बिने बिने के जताइए, हुंडी को ले लिया और हुंडी को लेके अब चले। जब चले हुंडी 100,000 की, एक प्रकार से चेक कह लो, सेल्फ चेक कहीं बना लो किसी भी बैंक में जाके, ऐसे ही हुंडी चलती थी पहले, क्योंकि रास्ते तो पैदल थे, तो पैदल रास्तों में मार्ग में चोर लुटेरे ज्यादा होते थे और पैसा लूट लेते और कागज से क्या करेंगे। तो महाराज चले हुंडी 100,000 की लेके ग्रह द्वारे आए, तामे ते लगायो शौक बेटी ब्याह कियो है। फिर भी देखो भक्त का मन जहां लगा होता है उसी पे सब लुटाना चाहता है। संतों में लगा था तो महाराज जी कहते थे वो 1000 में से 100 रुपया मतलब ब्याह कर दिया। ब्याह कैसे किया तो महाराज जी कहते चाई माई करके ब्याह कर दिया। चाई माई माने जैसे तैसे निपटा दिया। कह रहे हैं और सब संतान बुलाए के खवाए दिए। 900 रुपया फिर भी संत सेवा में लगा दिया।
लिए पग दास सुख रास पन लियो है। संतों के चरण रज को प्राप्त करके परम सुख को प्राप्त किया। ऐसे हैं चरित ऐसे ही बहुत दाम बाही के निमित्त ले ले संत भोगताए अति हर्षित ही हो है। प्रियादास जी कहते हैं ऐसे ही बहुत दाम सब जगह से ले लेके बहुत जगह से पैसा ला ला के बेटी के नाम के और संत भोगताए संत को प्रसाद तो आया संत का सम्मान किया और कैसे अति हर्षित ही हो है। इसीलिए कहा प्रेम की जो रीति है वो विचित्र है। अब यहां कहेंगे महाराज लाए थे तो बेटी के नाम पे और लगा देते संत सेवा में ठीक नहीं है क्योंकि जिसके निमित्त लाओ उसी के निमित्त लगाना चाहिए। साधु सेवा है तो साधु सेवा के लिए गौ सेवा है तो गौ सेवा के लिए आश्रम सेवा है तो आश्रम सेवा के लिए। अब तुम सोचो कि साधु सेवा का पैसा इसमें ठाकुर सेवा का पैसा उसमें बोले ठीक नहीं है। एक महंत जी थे दुनिया बड़ी विचित्र है विचित्र नहीं महाविचित्र है। एक महंत जी थे अयोध्या दास नाम था साधु हो गए और कुछ काल के पश्चात एक स्थान बन गया आश्रम संत उसमें रहने भी लगे कुछ ठाकुर जी विराजमान हो गए सेवा चलने लगी। अब हुआ क्या जब व्यवस्था अच्छी देखो महात्मा वो बन सकता है जिसके हृदय में उत्कट वैराग्य हो और या फिर भरी संपत्ति को छोड़ के आया हो। अगर वो गरीब के घर से निकल के आया है ना तो पैसे आने पे गवा सकता है कब पकड़ ले माया कोई पता नहीं है। तो परिवार के लोगों का आना जाना चालू हो गया आते रहते जाते रहते दो दिन रखते चार दो दिन रखते। ये बात हनुमान टेकरी वाले महाराज जी में नहीं थी। हनुमान टेकरी श्री राम स्वरूपदास जी महाराज अद्भुत महापुरुष कहते भक्तमाल 50 साल हो गए हमको साधु हुए एक संबंधी घर का न्याय ना और इसीलिए बहुत कम जानते महात्मा के महाराज जी कहां के हैं। बोले 50 साल में एक रात्रि भी हम अकेले नहीं सोए एक महात्मा साथ सो जाए दो महात्मा वैसे तो 5 महात्मा 7 महात्मा रहते लेकिन एक महात्मा हमेशा साथ सो जाए। यह है किला किले में रहेंगे तो माया आक्रमण नहीं कर पाएगी। तो वो कहते महाराज जी कहते कि जिसके निमित्त जो आया है वो उसी में लगाना चाहिए। किसी ने 500 रुपए दिए गौ के लिए और बोले सब पैसा ले जाओ नहीं चाहिए 500 रुपए महाराज जी को कलकत्ता में दे किसी ने गाय के लिए और बोले 500 लेके आए वापिस गाय ना ले हमारी। हमने कहा अच्छी आज 500 लेके आए भैया हमने 500 को लिया भी नहीं बोले 500 डालिया गया जी में वो संभाले। तो महंत वो उनके पास परिवार वालों का आना चालू हो गया। बोले महाराज जी कहते टेकरी वाले महाराज जी बोले विरक्त क्या है बोले वी धन रक्त बोले जिसका विच्छेद हो गया रक्त से वो संबंध पुराय ना जुड़े वो है विरक्त। नहीं तो
अरे कुछ भी, हमारे हमारे पिताजी है ना, उनको तो बुला सकते हैं ना। अरे ए, ए, हमारी माता जी को कैसे छोड़ दें, बड़ी प्रबल है माया महाराज, बड़े बहाने बनाती है और मन तो पूरा उछमती है। सुनो ये हमारे दूर के हैं, आए हैं दूर चले जाएंगे, दूर के हो पास के हो वहां घुस तो गया कि हाँ हमारे हैं, अब आना चालू हुआ तो संयोग की बात, आपकी पत्नी भी थी तो पत्नी भी आ गई और पत्नी ने देखा तो पत्नी ने अधिकार जमा दिया उसके बनता, अब वो वहां रहने लगी आश्रम में। अब स्त्री का स्वभाव होता है पहले सेवा करे, सेवा में नंबर वन है, सेवा स्त्री के समान दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपकी पल पल की कब दवाई लेना है और कब आपको उठाना है, कल आप कब आपको नियम में बैठाना है, एक एक पल की सेवा स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। वो तो फिर ज्यादा कहो दो चार बार करेगा, बाद में कहोगे तो पानी देना, वो रखा गड़ा दे, ज्यादा करिए तो इतना भी नहीं कर सकते गुरु जी, बगल में घड़ा निकाल के पी लो, इतना मत किया करो। अरे सुनना, अरे बगल में रखा निकाल दिया करो, बहुत कठिन है। अब महाराज जब सेवा प्रवीण जाती फिर क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा परवश होता जाता है व्यक्ति, उसके अधीन होता जाता है। बड़ी सुंदर बात कहते एक संत, बोले साधक बिगड़ता है, गृहस्थी बिगड़ते हैं जवानी में, और महात्मा बिगड़ता है 60 के बाद। कैसे कैसे महात्मा खोज के लाते हैं बातों को महाराज, इनके अनुभव की बातें होती है। इसलिए कहा कि साधु शंकर है 12 साल तब आवे एक गुण, 12 साल में एक गुण। तो हमने पूछा महाराज से उनसे, महाराज 60 के बाद क्यों बिगड़ते हैं महात्मा, बोले कहते 60 के बाद बुद्धि सटी आ जाती है। तो बोले क्या, बोले जवानी भर तो भजन किया, वैराग्य में रहे, त्याग में रहे, अब 60 के बाद इंद्रियां शिथिल होती हैं, अब कभी खांसी कभी बुखार कभी ये कभी वो, तो कौन चाहिए, बोले सेवा वाला चाहिए, और सेवा को बोले विद्यार्थी करते नहीं है, बड़े मुश्किल से मिलते हैं हमारा सेवक। अब तो कोई आ गई, मान लो शिष्य आ गई,